प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वेलकम मिसेस वैजंती पोपटलाल पांडे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोपटलाल। आओ शर्मा बताओ, आज से ये तुम्हारा ही घर है। वैजंती पोपटलाल, वैजंती इस छोटे से महल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा घर कितना सुंदर है। सिर्फ तुम्हारे लिए। ये डेकोरेशन कितना ब्यूटीफुल। सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर कितना स्वीट फीलिंग। सिर्फ तुम्हारे लिए। अयो तुम ही मेरी श्रीदेवी, तुम ही मेरी जयाप्रदा। वैजू I love you. नान उन्नई कादली करम। उन्नई। अच्छा। उन्नई। करेक्ट। नान उन्नई कादली करें। अब हम तीनों पूरी जिंदगी हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से इस घर में जिएंगे। अयो तीनों मतलब कौन? मेरी सौतन। ऐसा ही कुछ समझो। अयो तुम चीटर, तुम हमारे साथ चीटिंग किया। अयो अयो अरे नहीं 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 वैजंती, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तीनों से मेरा मतलब है मैं, तुम और मेरा ये प्राण प्रिय छाता। आज के बाद ये छाता को भूल जाओ। नहीं 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 छाते को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। मैंने तो सपने में तुम्हारे साथ शादी भी कर ली। तुम भी कमाल हो भाई पोपटलाल, तुम्हारे सपने देखने की कैपेसिटी कमाल है। मेरे प्राण प्रिय छाते, अब जल्दी इस घर में आपकी सौतन आ रही है। आज से इस घर में सुबह शाम सिर्फ भरतनाट्यम म्यूजिक बजेगा। नाश्ते में सुबह शाम इडली सांभर, खाने में रसम भात। अब इस घर में सिर्फ प्रभुदेवा, कमल हसन और सिर्फ रजनीकांत की फिल्में चलेगी। मैं सुबह शाम दिन दोपहर सफेद लुंगी और सफेद शर्ट पहनूंगा। वणक्कम वणक्कम वणक्कम। पोपटलाल सिर्फ बात मत कर, उस हसीन खूबसूरत जीवन संगीनी को फोन कर, फोन। अरे हाँ, अब मैं वैजंती को फोन करेगा। नो, तुम सिर्फ मिस कॉल करना, मैं वापस कॉल करेगी। ओके।
बबीता, तुम्हारे मोबाइल बिल का चेक भर दिया? हाँ, उसका भी चेक भर रही हूँ। 9 9 5 5 8 8 8 3 3 6 6 5 5 4 4 दोहेरी मिस्ड कॉल। कौन है? पता नहीं, कोई अनजाना नंबर है। गलती से लग गया होगा। वैजू, मेरी प्यारी वैजू। डिंग 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 डिंग। अरे वैजू, फोन करो भाई, जल्दी करो। फोन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मिस कॉल तो दे दिया मैंने। क्या करूं, फिर से एक बार मिस कॉल देता हूं। कॉल करो। ये कौन मिस्ड कॉल कर रहा है? लगा फोन? नहीं, फॉरगेट इट ना, गलती से रीडायल हो गया होगा। आ गया, काट दिया। एक बार और मिस कॉल देता हूं। चलो चलो चलो, कॉल बैक करो। अरे कौन तब से मिस कॉल कर रहा है? अबे मैं इसको फोन लगाता है। आ गया। हेलो, कौन है? हाँ, कौन है? फोन मत रखना, जाकर फोन मत रखना। अरे ये तो उसका खड़ूस बाप था। अच्छा, इसीलिए बेचारी कॉल बैक नहीं कर पा रही है। कौन था? किसी जेंट्स का आवाज था। What? Don't worry बबीता, वो डर गया है, अब फोन नहीं करेगा। चलो सो जाते हैं। उसी नंबर से मिस कॉल। ओह गॉड, ये मिस कॉल करने वाला कौन होगा? बबीता, ये लोग दूसरों को परेशान करने वाले वन साइडर लवर होते हैं या फिर सर फिरे साइको होते हैं। औरतों और लड़कियों को मिस कॉल देते हैं, बाद में उनका पीछा करते हैं, फिर उनको परेशान करते हैं। अय्यर, तुम मुझे डरा रहे हो। अरे सॉरी बबीता, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट। अय्यर प्लीज, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। रात को उसके साथ फोन पे झगड़ा करके मुझे और अपनी टेंशन नहीं बढ़ानी है। जो होगा भी सुबह देखा जाएगा। देखो ना, फोन नहीं कर रही है। फिर से मिस्ड कॉल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, क्या करे? पुलिस कंप्लेंट करे? हाँ, सुबह पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। ग्रेट, तो अभी मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। नहीं देखो, फोन स्विच ऑफ मत करो, फोन को साइलेंट मोड पर रख दो। क्या है, वो मिस कॉल कर करके परेशान होता रहेगा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते वक्त प्रूफ के तौर पर हमको ज्यादा मिस कॉल मिलेंगे। या यूर राइट। ओके, मिस कॉल करता है मेरे सामने आएगा तो छोड़ेगा नहीं मैं उसको। मिस कॉल देता मेरे सामने तो है।
अय्यर, अय्यर, अय्यर वेक अप। क्या हुआ? ये देखो, 44 मिस्ड कॉल्स एंड 28 मैसेजेस। ओह गॉड, दिस इज टू मच। ये मिस कॉल करने वाला जब भी मेरी पकड़ में आ जाएगा तो मैं उस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा कि वो मिस कॉल तो दूर अपना जरूरी कॉल करना भी भूल जाएगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। अब हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। अरे, वैजयंती का कॉल आया होगा। एक भी कॉल नहीं, मैसेज नहीं, शायद मौका ही नहीं मिला होगा। क्या करूं, मिस कॉल दूं? नहीं नहीं नहीं, इतने सारे मिस कॉल दे दिए हैं कि मौका मिलेगा तो खुद ही करेगी। चलो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अब बदन अकड़ गया। ओम मरीचे नमः, आदित्य नमः, सवित्र नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। पापा आपका फोन। अरे कौन है? मैं हूँ दया। फोन में कौन है? महेश भाई सूरत से। आला। हाँ बोलो बोलो महेश भाई। हाँ अच्छा, सूरत में प्लॉट है? अरे वाह। नहीं नहीं बराबर, लेकिन अभी क्या थोड़ा पैसा सब ब्लॉक हो गया है। अच्छा तो एक काम करता हूँ, मेरा दोस्त है रवजी भाई, वो बीच में बोल रहे थे उनको इंटरेस्ट है, हाँ तो उनको बोलता हूँ अभी आपको फोन करने के लिए। हाँ मैं अभी रवजी भाई को बोल देता हूँ। ओके ओके। रवजी भाई, रवजी भाई साइड में रहने भाई, बार बार डिस्टर्ब करता है। क्या करूं, एक और मिस कॉल करूं कि नहीं? कर ही लेता हूं। मिस कॉल। जयडालाल के हाथ में मोबाइल? कहीं जयडालाल के पास ड्वेल सिम कार्ड वाला मोबाइल तो नहीं है? जब मेरे को मिस कॉल आया तब जयडालाल मेरे तरफ ही देख रहा था और फिर फौरन अंदर भागा। का मतलब? अच्छा हाँ, जयडालाल मेरे से बदला लेने के लिए बबीता को दूसरे नंबर से मिस कॉल कर रहा है। जयडालाल मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। तुमने मेरे से बदला लेने के लिए बबीता को परेशान किया। कूल अय्यर कूल, जोश में नहीं होश से काम लेना चाहिए। दोस्तों तीन चीजें बेहद खतरनाक हो सकती हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी की सवारी, हैसियत से ज्यादा ली गई उधारी और शक की बीमारी। और इन तीनों में से भी कहते हैं शक की बीमारी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और ये शक की बीमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अय्यर को लग गई है। अय्यर को लग रहा है कि जेठालाल मिस कॉल करके परेशान कर रहे हैं अय्यर की पत्नी बबीता जी को। और आप तो बेहद अच्छी तरह जानते हैं मिस कॉल की हकीकत क्या है, कि भाई जेठालाल ऐसा नहीं कर रहे, ये तो पोपटलाल है जो सिमिलर नंबर्स के चक्कर के अंदर वैजयंती को कॉल मिलाते मिस कॉल दे रहे हैं बबीता जी।
गाड़ी को, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जीवन में कई मुसीबतें खड़ी कर सकती है। आपके जीवन में भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन गोकुल धाम में इस वजह से बेहद मुसीबत है इस वक्त। एक तरफ है पोपटलाल के दिल में खिली प्यार की ये कली, दूसरी तरफ बबीता जी को मिस कॉल, और तीसरी तरफ अय्यर के दिल में शक की चिंगारी। अब ये शक की चिंगारी क्या कर सकती है मैं नहीं जानता। शक की चिंगारी रिश्तों में आग भी लगा सकती है भाई। स्थिति बेहद नाजुक है, लेकिन स्थिति कैसी भी हो, आप लोगों के लिए हर स्थिति में से सिर्फ हंसी और ठहाके। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए इस नाजुक स्थिति में जहां पति को यह शक है कि उनकी पत्नी को मिस कॉल किए जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है भाई। हंगामे हंगामे और हंसी ही हंसी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, किसी पे शक मत कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।